Assalamualaikum viewers, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिट फाट बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गर्मियों के कपड़ों के कुछ डिजाइन। जी, गर्मियों के कपड़े आ चुके हैं, आप गर्मियों के लॉन के कपड़ों पे इस तरह के डिजाइन बनवा सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें, पहला ड्रेस ये कुर्ती है जिसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाया गया है और इस पे गोटा पट्टी यूज़ हुई है। आप लोग इसके दामन पे देख सकते हैं, इसकी चॉक्स ओपन है, इसकी स्लीव्स पे भी इसी तरह छोटी छोटी लेस लगी हुई है। और आप इसकी बात कर लेते हैं नेक लाइन की, तो नेक लाइन राउंड बनाई गई है और एक कट दिया गया है। और इसी तरह ये गोटा पट्टी वाली लेस जो है ना, इसी कलर में से कंट्रास्ट पिंक कलर लिया गया है जो थोड़ा ऊपर शो हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। और कट दे के उसके ऊपर वही लेस ऐड की गई है और कुछ लटकन यूज़ की गई हैं। और साइड में जो है ना, हमने एक राउंड इस तरह से लेस का लगवा लिया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही डिसेंट सा सॉफ्ट सा स्टाइल है जो गर्मियों में पहने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह के कपड़े जिन पे हल्की फुल्की कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, ये देखें जी, इनको मैं आपको पास से दिखा देती हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा लग रहा है। इनके पहने हुए ये कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं। गर्मियों में हम सब लोग इस तरह के कपड़े सर्च कर रहे होते हैं। ये देखें जी, ये सेकंड डिज़ाइन आ गया। ये सेकंड जो है ये ए लाइन बना हुआ है और ये चिकनकारी की शर्ट है। इसकी नेक पे एक जो है ना, क्रोशिया लेस को लेके एक डिज़ाइन किया गया है और उसके सेंटर में बटन्स ऐड कर दिए गए हैं। और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर जो है ना पैनल डाले गए हैं और पैनल्स के दौरान शटर लेस यूज़ हुई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं। और इसके दामन पे जो ऑलरेडी कट वर्क था वही रहने दिया गया है। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो थोड़ा फ्लेरी बनाई गई हैं, ये देखें जी, फ्लैपर टाइप की। और ये मैं आपको थोड़ा पहन के भी दिखाती हूँ। इस तरह के ढीले ढाले कपड़े कुछ गर्मियों में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, अच्छा महसूस होता है ऐसे कपड़े पहन के। और इस तरह के कलर्स भी जो है ना गर्मियों में बहुत सॉफ्ट कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला ड्रेस, बहुत ही पसंद आया मुझे ये कलर वाइज, बहुत अच्छा पसंद है ये। और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। अब बात करते हैं थर्ड ड्रेस की, थर्ड कुर्ती की। तो ये कुर्ती आप देख सकते हैं, इसमें वाइट एंड ऑरेंज का कंट्रास्ट है। इसमें क्या किया गया है कि दामन पे जो इसकी, इसके ऊपर जिस कलर की कढ़ाई हुई हुई थी, इसी कलर की दामन पे क्रोशिया लेस ऐड कर दी गई है। ये देखें, जो इसको और ज़्यादा थोड़ा परमिनेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और साइड में जो है ना इसके एक कट दे दिया गया है और वहाँ पे ऑरेंज कलर की पाइपिंग दे दी गई है और छोटा छोटा साथ डिज़ाइनिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से इसमें अच्छी खूबसूरती और एक अच्छी सी लुक आ रही है। ये देखें जी, नेक लाइन बिल्कुल सिंपल है इसकी भी राउंड। और स्लीव्स देखें तो इसकी स्लीव्स भी उसी तरह थोड़ी ढीली ढाली बनाई गई हैं और स्लीव्स के सामने भी क्रोशिया लेस ऐड कर दी गई है। और ये ड्रेस भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से, तो मुझे पसंद आया है ये। और ये देखें जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक और ड्रेस की। ये भी एक कुर्ती है, ये ऑल ओवर प्रिंट है और इसको जो है ना कुछ ख़ास तरीके से स्टिच किया गया है। इसकी शोल्डर के नीचे कुछ फोमिंग वगैरह की गई है एक लुक देने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए। और फ्रंट पे इसके जिप लगाई गई है, फ्रंट ओपन हो जाती है इसकी जिप से। और ये बहुत ही प्यारा पहना हुआ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको एक्सप्लेन करना और कैमरे में इसको जो है ना ठीक से दिखाना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका प्रिंट ऐसा है जो सही से बंदा इसको शो नहीं कर सकता। और इसकी साइडों में एक ख़ास बात क्या है, इसकी साइडों में कुछ स्टिचिंग हुई हुई है, ये देखें जी, प्लेट्स लगाई गई हैं साइडों में दोनों तरफ फिटिंग के लिए, फ्रंट और बैक दोनों पे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये। काफ़ी पुराना स्टाइल है जिसको बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं और ये हमेशा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखें, इसकी बैक साइड पर भी उसी तरह दी गई हैं प्लेट्स,
फिटिंग के लिए, और ये पहना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए जी, इस तरह से आप लोग भी ठंडे ठंडे कलर और सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े फैब्रिक लेके इस तरह के डिज़ाइन बनवा सकते हैं। और ये है जी एक अगला ड्रेस, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स में था, तो इस पर कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं की गई है। राउंड नेकलाइन बनाई गई है और एक पट्टी देके उसके ऊपर कुछ बटन लगा दिए गए हैं। स्ट्रेट कुर्ती बनाई गई है इसकी, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। कैजुअली हम इस तरह के कपड़े भी गर्मियों में बहुत शौक से बनवाते हैं, जिन पे कुछ भी ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सॉफ्ट मटेरियल मिल जाए। अब इस ड्रेस की बात कर लेते हैं, तो ये ड्रेस है मेरी अम्मा जी का, मेरी सासू अम्मा का, और ये आप कलर से ही इसको समझ सकते हैं कि ये बहुत ही डिसेंट सा सॉफ्ट सा कलर है। हम बड़ी लेडीज़, हमारी बुज़ुर्ग लेडीज़ इस तरह के कपड़े बहुत शौक से पहनती हैं और बहुत बेस्ट रहते हैं उनके लिए इस तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट कलर, डिसेंट डिसेंट कलर। आप देख सकते हैं इसकी नेक लाइन पे कुछ बटन दे दिए गए हैं, सिंपल भी प्रिंटेड था तो उसके अलावा उसके ऊपर कुछ खास नहीं किया गया, नेक लाइन पे सिर्फ बटन दे दिए गए हैं। और इसकी स्लीव्स के सामने भी छोटी छोटी लेस ऐड की गई है, ये देखिए बहुत ही बिल्कुल इसको लेस को भी कोई ख़ास, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट से कलर की लेस भी यूज़ हुई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही सॉफ्ट सा है। और साइड में पाइपिंग कर दी गई है, लॉन के कपड़ों को अगर आप पाइपिंग कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि अगर जब पाइपिंग ना की जाए तो लॉन के कपड़े इतने सॉफ्ट होते हैं वो मुड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर बिल्कुल भी बंदे को मज़ा नहीं आता है न्यू कपड़ों का। तो अगर इसकी साइडों में पाइपिंग हो जाती है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और बैक साइड पे भी इसी तरह लेसिंग हुई है दामन पे, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा। और ये है इसकी शलवार, तो शलवार पे क्या किया है कि शलवार पे एक दो पिंटेक्स डाल दी गई हैं, आई थिंक फोर फाइव पिंटेक्स डाली गई हैं, और नीचे भी वही वाली लेस ऐड की है, और पिंटेक्स के ख़त्म होने के बाद ऊपर भी एक जो है ना लेस ऐड कर दी गई है, और बिल्कुल खुली डुली शलवार बनाई गई है। गर्मियों में इस तरह की बहुत लोग पसंद करते हैं। ये देखिए ये आ गया एक और ड्रेस, ये भी अम्मा का है, और इसको आप देख सकते हैं इसकी भी शलवार पे जो है ना एंड पे छोटी छोटी क्रोशिया लेस ऐड की गई है। इस तरह से छोटी छोटी डिजाइनिंग करके हम बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस बना सकते हैं जो गर्मियों के लिए हमें बहुत पसंद होते हैं। तो बस आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी बताना है। और ये है इसकी शर्ट, तो इसकी शर्ट पे क्या किया गया है आप देख सकते हैं, ये एक फ्लोरल प्रिंट है, ये इसको भी इसी तरह स्ट्रेट कुर्ती में सिया गया है, और इसकी शलवार के साथ की एक पट्टी नेक लाइन पे दे दी गई है, और उसके सेंटर साइड में जो है ना वही वाली कुरेशिया लेस जो शलवार पे दी गई थी वही अटैच की गई है, और सेंटर में लगा दिए हैं 4 से 5 बटन जो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए और ये ज़बरदस्त लग रहा है। फिर आप बात कर लेते हैं इनकी चॉक्स की, जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी हैं। क्या किया गया है कि जो इसमें बॉर्डर दिया गया था, बॉर्डर को कट करके इस तरह से साइड में चॉक्स पे दे दिया गया है, और नीचे दामन पे वही वाली लेस अटैच कर दी गई है, और इसकी चॉक्स जो है ना बहुत ही परमिनेंट और बहुत ही प्यारी लग रही है। ना सिर्फ फ्रंट पे है, ये मैं आपको दिखा दूं, बैक साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह ये बॉर्डर दिया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अम्मा जी के ड्रेसेस के बारे में जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूंगी इजाजत, मुझे दें इजाजत, दुआओं में याद रखें, फी अमान अल्लाह।